ट्रिबुलेशन एंड प्री ट्रिबुलेशन सात साल का महा क्लेश काल महाक्लेशने के दोबारा आने के बाद शुरू होगा परंतु प्रभु यशु मसीह के आने से पहले प्री ट्रिबुलेशन अर्थात प्रारंभिक क्लेश काल जो कलीसिया धरती पर होंगे उस समय भी ये प्री ट्रिबुलेशन या प्रारंभिक कलिसिया के उठाए जाने के पहले वाला अंधकार इस धरती पर छा जाएगा जितने भी बड़े बड़े अध्यात्म के वैज्ञानिक हैं वे एक प्रश्नवाचक चिन्ह संपूर्ण धरती पर लगा दिए चाहते हैं और वे यह कहते हैं कि हमारी आशा के पहले ही विश्वव्यापी एक ऐसा अंधेरा संपूर्ण धरती को अपने आहोस में समा चुका है जिससे इस धरती को निकल पाना संभव है या नहीं है इसके बारे में सोच विचार नहीं किया जा सकता है वर्ल्ड वाइड डार्कनेस संपूर्ण धरती के ऊपर एक इस प्रकार का अंधकार चाहे वह बीमारियों को रिलेटेड रखें चाहे वे प्राकृतिक विपदाओं से जुड़ी बातों को जोड़ करके रखें चाहे वो अंधकार की सत्ताओं का प्रभाव जो मनुष्य के जीवन के अंदर में दिखाई देता है उससे जोड़ करके देखें या तकनीकीवाद का जो हमला है उससे जोड़ करके देखें या शासन से संबंधित राजकरण की बातों से जोड़ करके देखें कहीं ना कहीं एक डार्क एज एक अंधकार युक्त संसार हमें दिखाई देता सा नजर आता है इससे ऐसे पता चलता है जरूर हम कही न कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले जो प्री ट्रिबुलेशन है प्रारंभिक क्लेश काल जैसा इससे पहले वाले इससे पहले वाले शनिवार रविवार को हमने इस बात पर आपके सामने ये बात रखी थी कि किस तरीके से हम कहीं ना कहीं उस पड़ाव पर आ खड़े हुए हैं मत्ती की किताब में और उसके चौबीसवें अध्याय में आपने इससे पहले वाले वचन में देखा था छठवें पद में तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे देखो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है उस समय अंत ना होगा लेजन मी केयरफुली उस समय अंत ना होगा और जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भुईडोल होंगे ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर करेंगे और बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है पर जगत का अंत नहीं है क्योंकि कलीसिया इस धरती पर है और अभी अंत हो नहीं सकता पर कलीसिया को कहीं ना कहीं इन पीड़ाओं से होके जाना पड़ेगा जो प्री के अंतर्गत होती हैं लड़ाइयों लड़ाइयों की चर्चा देखो घबरा ना जाना क्यों इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत ना होगा अंत तो सात साल के महाक्लेश के बाद में जब यहूदी समुदाय के उद्धार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब अंत होगा जिसमें मिस्री असुरी और इसराइली तीनों परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को परमेश्वर अलग कर लेगा जो जो घटनाएं सात साल के महा काल में इन तीन संप्रदायों के बीच में होगी ये सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जिनको परमेश्वर कही न कहीं ना कहीं तेढे रास्ते से अपने पास बुलाएगा जिससे कि दुनिया के अंत के पहले कहीं ना कहीं वे सब उद्धार पा जाएं। सो ये जो घटना बारह तारों धारी बारह तारों का मुकुट पहने वाली स्त्री जिसने सूर्य ओढ़े हुए है और चांद पैर के नीचे है वो गर्भवती है और गर्भवती होने के कारण जच्चा की पीड़ा में चिल्लाती है उसका संबंध ये घटना दो अलग अलग समयों में पूरी होगी एक तो प्रभु यशुमसी के दोबारा आने के पहले बारह प्रेरितों के द्वारा स्थापित कलिसिया के लिए और दूसरा बारह गोत्र जो भौतिक रीति से परमेश्वर के चुनाव में आ गए हैं और उसी वंशज में पैदा हुए हैं उन लोगों के जीवन में लागू होंगे सो यहाँ पर हमें पुराने नियम के बारह गोत्रों के ऊपर होने वाली घटनाओं की जो भौतिक घटना इस संसार में घटेगी उसकी ओरिजिनल कॉपी में से हम यशु के आने के पहले जो आत्मिक कलीसिया है जो गैर यहूदी जो दुनिया के सारे लोग ईसा पर विश्वास करके उद्धार पा चुके हैं उनके जीवन में जो लागू होती है ये जज की दशा है दैट मींस प्रेरितों के द्वारा स्थापित कलीसिया में अब ईश्वर के पुत्र परमेश्वर के पुत्र जैसे इब्रानी की किताब में और उसके आठवें अध्याय में बाइबल कहती है कि यह सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की वाट जो रही है परमेश्वर के पुत्र मतलब अंत के दिनों में जो जागृति आएगी वो जागृति के अंतर्गत है। विश्वव्यापी कलिसिया में से ऐसे लोगों को प्रभु चुन करके ऐसे लोगों को जो यीशु के दूसरे आगमन में उठाए जाने के लिए पूर्णतः तैयार किए हुए लोग होंगे उन लोगों को पुत्र के रूप में देखा जा रहा है पूरी कलीसिया आकाश गंगा में नहीं उठाई जाएगी याद रखना यहां पर भी स्त्री का जो बेटा हुआ वो आकाश में उठाया गया स्त्री जंगल में भाग गई कुछ इसी तरीके से विश्वव्यापी जो कलीसिया होगी उसमें से स्वर्ग पर उठाए जाने वाले पुत्र की तरह जो जच्चा से बच्चा हुआ ना और वो जो बच्चा है जिन लोगों ने पुत्रत्वता के तीनों गुणों को अर्थात परमेश्वर के पुत्र होने की पूरी पूरे अधिकार को अपने लिए इकट्ठा किया था वे लोग यीशु मसीह के दोबारा आगमन में उठा लिए जाएंगे बाकी कलीसिया यहीं रह जाएगी क्योंकि उन्होंने अपनी यीशु के दूसरे आगमन को लेकर के अपनी तैयारी नहीं की वे खाली विश्वास करते थे यीशु मारा गया गाड़ा गया जी उठा चंगाई पर प्राप्त हो जाए नौकरी मिल जाए वे भौतिक वस्तुओं के लिए प्रभु के पीछे आए थे उनको मृत्यु के बाद वाले जीवन से कोई लगाव नहीं था वे सब रह जाएंगे चाहे आपने बपतिस्मा ले लिया होगा या किसी भी के और सिद्धांत के मानने वाले होंगे और सदस्य होंगे संस्था के उससे यीशु के दूसरे आगमन का कोई अपना संबंध नहीं है इसलिए सारे लोग यीशु के दूसरे आगमन में ऊपर उठाए नहीं जाएंगे वरन वे लोग जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने को प्रिय जानकर अपनी तैयारी की है यस yes, हरेक यीशु मसीह को मानने वाला ऊपर नहीं उठाया जाएगा तो जितने भी लोग आज सेवा काल में जुड़े हुए हैं उन सबको ये बात याद रखना चाहिए कि हम केवल ये मान लें कि हमें एक मुक्तिदाता मिल गया है और हम उसके पीछे चलते हैं उस पर विश्वास करते हैं इस मात्र से प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के वक्त हमें अनंत जीवन मिलेगा ही बोल करके के इससे हमारा कोई संबंध नहीं है